Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we will be looking at class number 2 of communication UGC NET paper 1 जो कि आपका general paper है. communication की class हमने कल start कर दी थी, ये उसकी second class है. communications की I think आपने revise कर लिया होगा, आपने जो classes कल पढ़ी थी, जो कल पढ़ाया है हमने वो आपको आता होगा. आज की क्लास में हम करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं. सबसे पहले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले को चीज़ समझ में आ जाए, इस तरीके से कम्युनिकेशन की जाए. कई बार होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कम्युनिकेट तो करते हैं, बातचीत तो करते हैं, लेकिन सामने वाले को उसकी बात ही समझ में नहीं आती है. क्यों? क्योंकि जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं है. इसीलिए बोला गया है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए. और इफेक्टिव कैसे होगी, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए. जो आउटपुट है, मैंने कुछ बोला सामने वाले को, मेरी पूरी बात समझ में आ गई. लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तभी कंसिडर करते हैं जब बोली गई बात सिर्फ बहुत ही लिमिटेड टाइम में समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए. इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो. एफिशिएंट मतलब क्या होता है, इन लेस टाइम, कि आपने इन्वेस्ट बहुत कम किया लेकिन आपको मिला ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ बता रही हूँ या फिर कोई भी इंसान कम्युनिकेशन कर रहा है, वो कुछ बता रहा है, लेकिन उस पर्सन ने उसी एक आइडिया को 10 बार समझाया और तब जाके सामने वाले को समझ में आया, तो वो क्या है, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है. मतलब जो समझा रहा है, जो बोल रहा है, वो अच्छे से नहीं बता रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है. इसीलिए सामने वाले को बहुत लेट समझ में आया, 10 बार समझाने के बाद समझ में आया. और वहीं पे अगर हम बोले इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कि मैंने एक बार समझाया और आपको समझ में आ गया, सामने वाले पर्सन को समझ में आ गया, तो ये क्या है कि मेरी जो स्किल्स हैं वो अच्छी हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने इनपुट बहुत कम डाला है लेकिन आपको आउटपुट मिल गया, आपने बहुत कम समय लगाया लेकिन बहुत ज़्यादा बात समझ में आ गई, ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तो ये भी ध्यान रखना कि लेस टाइम को ध्यान में रखो, कि ये नहीं कि 10 बार समझाने के बाद चीज़ समझ में आए, एक बार में जहाँ आ जाए वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम कुछ 7 C's को फॉलो करते हैं. 7 C's हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या था, 4 S, मतलब कीप द मैसेज शॉर्ट सिंपल, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए. उसी तरीके से आपका 7 C's भी होते हैं और इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. अब 7 C's में एक पहली चीज़ तो ये है कि कम्प्लीटनेस, जो भी आप मैसेज दे रहे हो इट शुड बी कम्प्लीट. ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैसेज दिया और वो छोटा रह गया. एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, आप यहाँ पे नोट कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं. एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक टीचर है, वो कुछ बताती है बच्चों को कि वो टेस्ट लेगी. क्वेश्चन ऐसा था कि फॉलो अप क्वेश्चंस को, मतलब कि बार बार पूछे जाने वाले बच्चों के क्वेश्चंस को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, तो उसका आंसर था कम्प्लीटनेस. अगर मैं आपको सही से समझाऊँ तो, फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, उसने आके बोला कि मैं एक टेस्ट लूँगी. उसने बस इतना ही बोला कि वो एक टेस्ट लेगी. अब बच्चे बार बार क्वेश्चन करेंगे, फॉलो अप क्वेश्चंस करेंगे कि मैम आप कौन सा टेस्ट लोगे, मैम कब होगा वो टेस्ट, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा, वो टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का होगा, ये भी एक क्वेश्चन है. अच्छा, उस टेस्ट में कौन सी यूनिट आएगी, मैम ने बोल दिया मैथ्स का टेस्ट है, अब मैथ्स में भी कौन सी यूनिट का टेस्ट है, कौन से चैप्टर का टेस्ट है. जब तक वो मैसेज कंप्लीट नहीं है, फॉलो अप क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे. और वहीं पर टीचर आके ये बोल दे कि कल सेकंड पीरियड में मैथ्स का टेस्ट लूँगी, सेकंड यूनिट रिवाइज करके आना, तो ये क्या है, मैसेज कंप्लीट है, बच्चों को समझ में आ गया, फॉलो अप क्वेश्चन मतलब बार बार क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, बच्चों को चीज़ समझ में आ गई. और यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट सी है जो कि बोला गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो ये है कि 7 C's दिए किसने थे, तो 7 नाम है कटलिप एंड सेंटर, ये 2 पर्सन के नाम है जिन्होंने 7 S दिए थे. एक है कम्प्लीटनेस, सेकेंड है कंसाइजनेस, मतलब कि छोटा, जितना हो सके उसे छोटा रखो. जो हमने लास्ट वीडियो में एस पढ़ा था ना, शॉर्टनेस, वही है, कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब कि कंसाइज रखो, उसे छोटा रखो, मिनिमम वर्ड्स में बोलो. अगर आप बोल सकते हो शट अप तो शट अप ही बोलो, ये मत बोलो कि अपने मुंह को बंद रखो, मुझे ये करना है वो करना है, उसको जितना छोटा हो सके तो उतना छोटा रखो. बार बार चीज़ों को रिपीट मत करो. कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, हम पेपर में क्या करते हैं, मैसेज हमें आंसर आता नहीं है तो हम क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं. लेकिन कम्युनिकेशन में क्या है कि चीज़ों को रिपीट करने से बेहतर है उसको एक ही बार में कंप्लीट तरीके से बोलो, जितना हो सके उतना छोटा रखो.
नेक्स्ट सी है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एक बात जो है वो पूरी की जाए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो फिर आपको कुछ याद आ गया, आपने वो कहानी सुनाई फिर आपको फिर से याद आया कि मैं पहले कोई और बात कर रही थी फिर आप वहाँ पर चले गए। मतलब कि कोहेरेंट तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में। फोर है, फोर सी है इसका, फोर्थ सी है क्लैरिटी, कि जो भी आप बोल रहे हो क्लियर अबाउट योर गोल्स, कि आप क्यों बात कर रहे हो। ऐसा ना रहे कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब कि अगर आप कुछ बोल रहे हो यू आर लाइक वेरी क्लियर कि आपको क्या बोलना है। अगर आप कोई चीज़ अपने बॉस को समझा रहे हो बहुत ही क्लियर रखो कि ठीक है हाँ मुझे छुट्टी लेनी है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अब अगर आप कुछ कहोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो कि आपको छुट्टी लेनी है, अब ये काम आपने किसके ऊपर छोड़ दिया कि बॉस खुद समझ जाए कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हो रहा है वो हो रहा है तो मुझे छुट्टी दे दे, तो नहीं। अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ रखो, क्लियर रहो कि आपको बोलना क्या, छुट्टी चाहिए तो जाके बोलो छुट्टी चाहिए, कोई भी मैसेज है। ऐसा ना रहे कि सामने वाले को गेस करना पड़े कि अच्छा आप ये बोलना चाहते थे। नेक्स्ट है फिफ्थ जो सी है वो है कंक्रीटनेस, मतलब कि फ्रीजी ना हो, घुमा फिरा कर ना बोला गया, पर्टिकुलर हो, क्लियर हो, टू द पॉइंट आपकी बात कही गई हो, मतलब कि गोल गोल घुमा के बोलने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो हम बोलते हैं ना टू द पॉइंट बोलो सीधे मुद्दे पर आओ, वही चीज़ है कंक्रीटनेस, कि फ्रीजी ना हो कोई भी आपकी बात। सिक्स्थ जो है वो है आपका कर्टसी, कर्टसी मतलब विनम्रता, आप तरीके से बात करो। जो हमने सिंसियरिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में ये वही है, बस इसमें वर्ड चेंज कर दिया है, उसमें सिंसियरिटी था इसमें कर्टसी दे दिया, कि एक लहजा होता है हर चीज़ में बात करने का, एक तरीका होता है, एक टोन होती है, आप उस कर्टसी को बना के रखो, सिंसियरिटी को बना कर रखो। अगर आप बदतमीजी से बात करोगे तो आपकी बात कोई नहीं समझेगा, और कौन सी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी अगर कोई भी इंसान इतने रूडली तरीके से बात करेगा। सेवेंथ जो कि इसका लास्ट सी है उसका क्या है, करेक्टनेस, गलत बात मत बताओ किसी को भी, गलत अगर बोला है तो उसको करेक्ट करो, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे हो सकता है आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कोई भी आपकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। हो सकता है आज कर ले कल कर ले, लेकिन चार दिन बाद उसको समझ में आ जाएगा कि आप झूठ ही बोलते हो, गलत इन्फॉर्मेशन ही देते हो। आज आपने कोई डेटा की बात करी और आपने बोल दिया कि इसकी जो डेथ रेट है यहाँ पे वो इतनी है, एक्स वाई जेड कितनी भी है, आपकी बात आज रॉन्ग प्रूफ हो गई, आपने कल कुछ बोला रॉन्ग प्रूफ हो गई, नेक्स्ट टाइम आप कुछ बोलोगे आपका चाहे डेटा सही भी हो लेकिन उसे कोई भी सच नहीं मानेगा, सबको पता है कि आप झूठ ही बोलते हो, मतलब कि आपके जो डेटा होते हैं वो बेकार होते हैं, गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो इसीलिए हमेशा ही अपने मैसेज को करेक्ट रखो, करेक्टनेस होनी चाहिए आपके मैसेज में। कटलीपन सेंटर के सेवन सीज थे, फर्स्ट है कंप्लीटनेस, फिर कंसाइजनेस, फिर आपका कोहरेंट है, क्लैरिटी है, कंक्रीटनेस है, कर्टसी है एंड करेक्टनेस है। ये सेवन सीज आपको पता होनी चाहिए, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ स्किल्स है, मतलब कि कैसी स्किल्स होनी चाहिए। ऑब्जर्वेंस, ठीक है, ऑब्जर्वेंस मतलब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, गेन मोर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जितना आप ले सकते हो, इसकी कुछ स्किल्स है, मतलब आपके अंदर ये कौशल होने चाहिए, स्किल मतलब कौशल होते हैं हिंदी में। सेकेंड है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, मतलब कि क्लियर हो, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हो आप बिल्कुल क्लियर हो क्या बोलना है, सामने वाले को चीज़ समझ में आ रही है। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कई बार होता है कुछ लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं बस बोलना पसंद करते हैं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल क्या है कि आप सुन रहे हो, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आप सुन रहे हो और उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि अगले को समझो, ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई पर्सन कुछ बोल रहे हैं आप इमोशनली समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सामने वाले का मूड कैसा है, हो सकता है किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो उदास हो, सैड है, आप जाकर उसे मजाक कर रहे हो, तो ये क्या है कि अब इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं है आपके अंदर, वो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मूड के अकॉर्डिंग कि सामने वाले का पर्सन का मूड कैसा है, तो इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेंसी बोल लो या फिर आप बोल दो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी, कोई भी चीज़ है ये आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप बात करते हो रिस्पेक्टफुल रहो, नॉन वर्बल कॉन्टेक्ट को बनाकर रखो, मतलब कि सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वहाँ देख रहे हो,
आप आई कॉन्टेक्ट बनाओ, आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ करो, एक्सप्रेशन दो। बहुत से लोग नॉट करते हैं, कोई समझ आ रहा होता है सर हिलाते रहते हैं हाँ के लिए, हाँ के लिए ऐसे यस। तो वो क्या है, अगर आप इस तरीके से कर रहे, सामने वाले थोड़ा सा होता है ना, सामने वाले को लगता है अच्छा ये मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो और अच्छे से समझाते हैं। वहीं पर सामने वाला कुछ समझा रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो, कुछ रहे हो, तो वो सोचेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। वो अपनी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में करके ख़त्म कर देगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर, आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम, ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, अब वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि आप कौन सा मीडियम सेलेक्ट करते हो बात करने के लिए। थोड़े से लोग हैं तो फिर कि आप लिख लिख के बताओगे, आप वहाँ पे ओरल यूज़ करोगे। बहुत सारे लोग हैं तभी भी आप ओरल यूज़ कर रहे हो। कहीं पे अगर लिखने की बात है, आप ऑफिस में छुट्टी मांगने गए ऑफिस में अपने बॉस से, तो वह आप लिख कर उनसे बोलोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे, उनसे छुट्टी मांगोगे। ऐसा नहीं है कि जाके बोल दोगे कि मैं बीमार हूँ लाओ मुझे छुट्टी दे दो कल की, वो सही नहीं है। जिस तरीके से बोल रहे हो वो सही नहीं है, टोन सही नहीं है। तो हर एक चीज़ का एक परफेक्ट मैनर होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको 7 C's और कुछ कम्युनिकेशन स्किल समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है प्रोवाइडिंग फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो ये ज़रूरी है कि आप उसे फीडबैक ज़रूर दो। मतलब कि उसने कुछ बोला, आप उसको हाँ करो ना करो, इसे इलाबरेट करो, या फिर कोई भी चीज़ है यस नो कुछ भी बोलो। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ बोला आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, आप इसे रिवाइज कर सकते हो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अलग अलग बेसिस पे है। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और ऑन द बेसिस पर्पस एंड स्टाइल, कि किस स्टाइल से हो रहा है, कौन सा पर्पस है। तो आने वाली कुछ क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इजी है ये टॉपिक, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस है, पर पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये यूनिट ख़त्म होने के बाद आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करो कि मैं कौन सी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँ, मतलब कि जैसे कि DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, या फिर रिसर्च वाला टॉपिक शुरू करूँ, या फिर टीचिंग का। तो खैर अभी थोड़ा सा 2-4 क्लासेस ही बची हैं, रिसर्च है हमारे पास, रिसर्च कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, कौन सी स्टार्ट करूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।